पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को फिर सत्ता में लौटने की उम्मीद है। कमलनाथ ने कहा कि उनका फोकस विधानसभा उपचुनाव की 24 सीटों पर है। भाजपा नेताओं ने विधायकों की खरीद फरोख्त की है, मैं सौदेबाजी नहीं करता, मध्य प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है, चिंता की कोई बात नहीं है, अभी तो इंटरवल हुआ है, हमारी सरकार फिर लौटेगी। कमलनाथ अपने पुत्र और सांसद नकुल नाथ के साथ कोरोना संकट के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। कमलनाथ ने कहा कि उनका फोकस विधानसभा उपचुनाव की 24 सीटों पर है, उम्मीद है कि 22 सीट पर कांग्रेस जीतेगी। जिले में सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर को लेकर कमलनाथ ने कहा कि जिले में पहली बार ऐसी घटिया राजनीति हुई है। आप बिक सकते हो, हम नहीं बिक सकते। आप सौदा कर सकते हो, हम सौदा नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश की जनता सिद्धांतों और मूल्यों से सौदा नहीं करने वाली। ये मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव की बोली बाली मतदाता और जनता है, इसका फैसला भी हो जाएगा। तो आज इन हालातों में जब मैं छिंदवाड़ा आया हूँ, मैं तो एक ही संदेश देता हूँ कि मैं और कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ, किसान के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। हमें चिंता अपने कृषि क्षेत्र की है, हमें चिंता अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ही अपने प्रदेश का निर्माण करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता इसे आज एहसास कर रही है। कहा जो अव्यवस्था है प्रदेश में, जो अव्यवस्था है प्रदेश में, ये हमारे आदिवासी क्षेत्र की हुए, मक्का की हुए, मैंने मिलेट मिशन कहा था, मिलेट मिशन मैंने चालू किया था। वैसे मैंने बैम्बू मिशन भी चालू किया है जी, बैम्बू मिशन का काम भी चल रहा है। ये एक नई सोच थी कि मिलेट जो माना जाता था खाली आदिवासी क्षेत्र में बाजरा और ये सब होता है, पर ये मिलेट एक ऐसी चीज थी जिसका इतना एक्सपोर्ट है, इतना इसका निर्यात है। तो ये इसकी मैंने योजना बनाई, इसको हम आगे ले जाएंगे, ये ज्यादा समय तक नहीं है। कमलनाथ ने कर्ज माफी को लेकर कहा कि दो चरण में कर्ज माफी हो गया था। कर्ज माफ उनका नहीं हुआ जो आयकर दाता थे या जिन लोगों ने फसल के लिए लोन नहीं लिया था। कोरोना महामारी को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में वो पैसा भी बता दिया जो रकम चांद पर जाने के लिए है। मोदी जी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए कि किस उद्योगपति को कितने रुपए दिए गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।